हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ, क्वालिफाइंग कोर्स जो आप बीए बीएससी या बीएकॉम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप क्वालिफाइंग कोर्स मतलब कि उससे रिलेटेड जो आपके टेस्ट ऑफ रीजनिंग में तर्कना परीक्षण जो रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आप रीजनिंग का आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे आप क्वालिफाइंग कोर्स में, आप चाहे CCS यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चाहे किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, बिना किसी वेस्ट टाइम के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि हमें कि यदि पी क्यू का भाई है तथा आर क्यू की बहन है, तो पी का आर से क्या रिलेशन मतलब संबंध है। ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी ताऊ, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी भाई। दोस्तों, मैं क्या करूँगा, आपको खाली आंसर बताऊँगा, आपको एक खुद से ही सॉल्व करने हैं। एंड आपको क्या करना है कि पहले वीडियो को पॉज मतलब स्टॉप करके उस क्वेश्चन को करना है, उसके बाद आपको आंसर लगाना है। देखते हैं आप 75 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। दोस्तों, तो पहले का जो आंसर है वो है आपका, इसमें पूछा गया कि पी क्यू का भाई है मतलब पी पिता है, एंड आर क्यू की बहन है तथा पी आर का क्या संबंध है। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भाई इज द करेक्ट आंसर रह जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, इसमें पूछा है कि भाई का बहन से किस प्रकार संबंध है। ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, जो भाई का बहन से जो संबंध होता है वो प्राथमिक संबंध होता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि पिता का बेटे से किस प्रकार का संबंध है, तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका पिता का बेटे से भी संबंध होगा ये भी आपका प्राथमिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड के बारे में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, इसमें पूछा है कि चाचा का भतीजा से किस प्रकार का रिलेशन मतलब संबंध है। ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज़ द राइट आंसर। जो चाचा का भतीजे से जो संबंध है वो है आपका द्वितीयक, क्योंकि वो द्वितीयक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कि जीजा बहनोई का साली से किस प्रकार संबंध है। ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जीजा का जो साली से संबंध है वो है आपका द्वितीयक संबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आपके जो क्वालिफाइंग कोर्स है उसी में क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से ही रीजनिंग के, आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो इसमें पूछा कि दादा का पोते से किस प्रकार संबंध है। ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो दादा का पोते के साथ जो रिलेशन होता है वो आपका द्वितीयक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के बारे में। तो पहले तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि नाना का देवती से किस प्रकार संबंध है। ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन, जो नाना का देवती से जो संबंध होता है वो होता है आपका द्वितीयक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें पूछा कि पति पत्नी किस प्रकार के संबंधी हैं। ऑप्शन ए विवाह संबंधी, ऑप्शन बी रक्त संबंधी, ऑप्शन सी विवाह एवं रक्त संबंधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन, जो पति पितन जो पति और पत्नी जो आपके जो इनके बीच रिलेशन होता है वो विवाह संबंधी होता है, क्योंकि आपके मैरिज के थ्रू इनको जो रिलेशन बनता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है कि माता और पुत्री किस प्रकार के संबंधी हैं। इससे एक संबंधित इस क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। एंड माता और पुत्री किस प्रकार का संबंधी है, विवाह संबंधी, रक्त संबंधी, विवाह एवं रक्त संबंधी, ऑप्शन डी उसमें कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जो माता पुत्री का जो संबंध होता है वो रक्त संबंधी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 के बारे में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। तो डियर से क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि किसी व्यक्ति को जो किसी व्यक्ति की भाभी किस प्रकार के नातेदार है। ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो डियर से जो आपका
व्यक्ति को भाभी से जो रिलेशन होता है वो आपको द्वितीयक रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो जिसमें जो यदि डियर को FGCT के रूप में लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में रेड को किस में लिखी जाएगा। डिशन ये आपको खुद से ही सॉल्व करना है या अल्फाबेट्स में मतलब मिला के आपको सॉल्व करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं ओनली इसको राइट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। एंड क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो डिशन इसमें पूछा है कि यदि कैंडल जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि यदि कैंडल को FDQGOH के रूप में लिखा जाता है तो उसी प्रकार भाषा में मिनट को किस मतलब वर्ड में लिखा जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं तो मैं ओनली आपको जो है राइट आंसर बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको खुद से ही करना है कि ये कैसे हुआ है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा कि बढ़ई का लकड़ी के साथ जो संबंध है वैसा ही संबंध दर्जी का किसके साथ है। ऑप्शन ए सुई, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कपड़ा, क्योंकि बढ़ई से लकड़ी के से संबंधित है। उसी प्रकार जो दर्जी है वो कपड़ा के बिना उसका काम नहीं हो सकता, इसका काम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 के बारे में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। तो डेस्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा कि रात्रि का दिन के साथ जो संबंध है वैसा ही संबंध मित्र का किसके साथ है। ऑप्शन ए सहपाठी, ऑप्शन बी खेल का साथी, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डेस्ट जो 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, शत्रु इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है कि पिता का पुत्र के साथ जो संबंध है वैसा ही संबंध माता का किसके साथ है। ऑप्शन ए पुत्री, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी उपमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डिशन जो आपका जो पिता के साथ जो पुत्र का संबंध है उसी प्रकार पुत्री के साथ होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। तो डिशन इसमें पूछा कि रमेश उत्तर की ओर जा रहा है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डिशन जो रमेश उत्तर की डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डिशन जो इसका राइट आंसर है वो उत्तर, क्योंकि वह उत्तर की दिशा में जा रहा है। आपको सॉल्व करके करना है कि उत्तर कैसे आया है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि रमेश पूरब की ओर जा रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर, अब वह किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन ए पूरब, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डिशन जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पूरब इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो डिशन क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा यदि एक का लड़का बी के लड़के का चाचा है तो ए बी का क्या संबंध है। ऑप्शन ए भाई भाई का, ऑप्शन बी चचेरे भाई का, ऑप्शन डी पिता पुत्र का, ऑप्शन डी दादा पोते का। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डिशन जो इसका राइट आंसर है पिता पुत्र का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है डियर स्टूडेंट निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त घटक कौन सा है। तो इसमें लुप्त घटक पूछा, ये आपका मतलब जो क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसके मतलब जो इस आपको गैप दे रखा है इसको भरना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा डियर स्टूडेंट वो आएगा 23। ये आपको खुद से ही करना है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो आप एग्जाम में अपना अच्छा खासा स्कोर गेन नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें पूछा कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त कौन सा है। तो इसमें 2, 3, 5, 8, 12 के बाद क्या आएगा, तो इस प्रकार आपको पूछा है। तो ये आपको खुद से ही सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, तो इसके बाद जो आपका 17 नंबर आएगा। एंड क्योंकि इसमें आपका जो 5 ऐड कर दिया, मतलब आप वो खुद से करना है इन क्वेश्चनों को। एंड 21 में पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त घटक कौन सा है, 4, 12, 36, 108, 324, 972। एंड नेक्स्ट मतलब क्या आएगा इसमें, तो डिस्टेंट जो इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका 2921, 2916। आपको सॉल्व कर खुद ही सॉल्व करके करना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो इसमें पूछा कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त घटक कौन सा है, 1440, 720, 360, 180। तो इसमें आई थिंक 19 आएगा। तो
तो 22 का जीएसटी जो राइट आंसर है वो 90 है, क्योंकि 9 दुनी 18 है, ये आपका इसमें बढ़ता जाएगा, डबल होता जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त घटक कौन सा है, 6 12 48 288, तो इसमें आपको क्या आंसर आएगा। तो जीएसटी 23 का जो आंसर है वो है आपका 2304, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसको आपको खुद से ही सॉल्व करना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, तो ड्यूरेशन क्वेश्चन नंबर 24 और 25 26 के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, तो उसमें पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त घटक कौन सा है, 4 11 25 53 सुनो। तो ड्यूरेशन मैं ओनली आपको राइट आंसर बताऊंगा, इसको खुद से ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसके बाद बताना है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें जब इसको करें, फिर इसका आंसर देखें। तो इसका मैं आंसर बता दूं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 221 इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन सी है, 4 16 36 100 के बाद क्या आएगा, 140 142 144 146, व्हाट इज़ द राइट आंसर। डिवीजन जो 100 के बाद आएगा वो आपका 144 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त घटक कौन सा है, 1 1 2 3 5, तो इसका जो अगला जो मतलब इसमें जो आपका खाली स्थान है इसमें क्या आएगा, तो डिवीजन जो इसका खाली स्थान में आएगा आपका 8, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 28 29 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में बेमेल संख्या कौन सी है, तो आपको ये इसमें से बेमेल संख्या ढूंढनी है, इसकी इसमें से बेमेल संख्या कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है, वैसे तो इसका मैं आंसर बता दूं आपको, तो इसका जो आंसर है डियर स्टूडेंट वो है आपका 115 जो इसमें बेमेल है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में बेमेल संख्या कौन सी है, तो इसमें भी आपको बेमेल संख्या छाँटनी है, तो 1 4 9 16 26 36 49 में आपकी बेमेल संख्या कौन सी है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ डायरेक्ट, तो इसमें जो बेमेल संख्या 26 इसमें बेमेल संख्या है। एंड अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में बेमेल संख्या कौन सी है, इसमें बेमेल संख्या पूछी है 74 63 54 45 36, तो डिस्टेंट जो इसमें बेमेल संख्या है वो आपके 37 है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 31 32 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन से विकल्प पूरा करेगा, मतलब डी एफ जे एल पी आर के बाद कौन सा इसमें आएगा। आपके पास ऑप्शन ए है बी एक्स जेड एक्स पी क्यू ओ पी, व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो डिस्टेंट जो इसमें जो आएगा पी आर के बाद वो आपका बी एक्स आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको खुद से ही करने क्वेश्चन, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर खाली आप वीडियो देखोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्वेश्चन आपको खुद से करके जब आपको देखना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपने एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर गेन कर पाओगे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त घटक कौन सा है, क्यू टी वी के बाद आपका कौन सा आएगा, तो डिस्टेंट जो क्यू टी वी के बाद आएगा आपका के एन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त घटक कौन सा है, इसमें आपका राइट आंसर क्या है, तो डिस्टेंट इसका राइट आंसर आएगा आपका आर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में, तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 33 में निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह बेमेल है, तो इसमें जो आपका बेमेल अक्षर है उसको बताना है, तो इसमें जो बेमेल है आपका ए एम टी है, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जितने भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि भोजन का भूख के साथ जो संबंध है वैसा ही संबंध नींद के किसके साथ है, ऑप्शन ए रात, ऑप्शन बी थकावट, ऑप्शन सी स्वप्न, ऑप्शन डी विश्राम, व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो डिस्टेंट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी थकावट, क्योंकि थकावट के कारण ही आपको नींद आती है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कप का चाय के साथ जो संबंध है वैसा ही संबंध प्लेट का किसके साथ है, ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी चम्मच, ऑप्शन सी कांटा, ऑप्शन डी स्टील, व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो डिस्टेंट जिस प्रकार चाय के साथ संबंध कप का है तो उसी प्रकार प्लेट का संबंध आपका रोटी से, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो इसमें पूछा है घड़ी का समय के साथ साथ जो संबंध है वैसा ही संबंध थर्मामीटर का किसके साथ है, तापमान, जलवायु, मौसम, डिग्री, तो इसमें जो रेडिएशन जो राइट आंसर है वो है तापमान, क्योंकि थर्मामीटर के आपके द्वारा तापमान नापा जाता है, घड़ी में आपका समय देखा जाता है।
एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो इसमें पूछा कि यदि ए के पिता वी के पति के पुत्र है तो वी ए का क्या संबंध है। ये भी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी पास सास, ऑप्शन सी दादी, ऑप्शन डी भांजी। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो डिस्टिंक्शन जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दादी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो इसमें पूछा यदि किसी महीने की 8 तारीख रविवार के दिन पड़ती है तो उसी महीने में आपका जो है एक जन तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो डिस्टिंक्शन जो आपका ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको आप कैलेंडर के एक बार वीडियो देख के आप इसमें जरूर करके जाएं। ऑप्शन है मंगलवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी बृहस्पतिवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो डिस्टिंक्शन जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंगलवार इज़ द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म अन्य तीन युग्मों से भिन्न है। ऑप्शन ए 2-4, ऑप्शन 6-36, ऑप्शन 7-35, 9-89। तो 6-6 जो उसका 7-35, 2-3-4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बेमेल है। एंड ऑप्शन नंबर अब कहता है क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42 के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों से भिन्न गुण प्रदर्श करने वाला विकल्प कौन सा है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मेरठ। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डिस्टिंक्शन उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेरठ इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं निम्नलिखित विकल्पों से भिन्न गुण प्रदर्श करने वाला विकल्प कौन सा है। बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डिस्टिंक्शन जो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मुर्गी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों से भिन्न गुण प्रदर्शित करने वाला विकल्प कौन सा है। ऑप्शन ए वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, आयत। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डिस्टिंक्शन जो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वृत्त इज द सर्कल। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में पूछें तो इसमें पूछा है विकल्पों से भिन्न गुण प्रदर्शित करने वाला कौन सा है। मतलब इनमें से एक भिन्न है उसको हमें चूज करके उस पर टिक करना है। तो ऑप्शन ए पागल, भिखारी, गरीब, अमीर। तो डिस्टिंक्शन जो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पागल। भिखारी, गरीब, अमीर तो होते हैं लेकिन पागल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो निम्नलिखित इसमें भिन्न जज, न्यायालय, वकील, पेशावर। तो ये जज, न्यायालय, वकील एक है, पेशावर अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 45 की पूछें तो इसमें पूछा है कि मनुष्य का घर से संबंध है, गाय का उसी प्रकार से संबंध है, माध, गौशाला, गुफा, अस्पताल। तो इस प्रकार मनुष्य घर में रहता है, गौशाला आप गाय आपकी गौशाला में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर 46 में पूछें तो इसमें पूछा है कि एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा उसकी पत्नी की इकलौती पुत्री रमेश का उस पुरुष का किस प्रकार संबंध है। ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, दादा, ससुर, पिता, दामाद। व्हाट इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर, ससुर। एंड अब बात करते हैं इसमें रिक्त स्थान भरना है 47 में। तो इसमें क्या आएगा, 2, 1, 6, 3, 7, 2, 4, 8, 2, 24, 56, 38। तो इसमें 1 × 7, 7, 8, 56, 2, 3, 6, 6, 24 इस प्रकार आपका इसमें आएगा। तो 6 × 12, 12, 6, 48। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। इसमें भी आपका यही क्वेश्चन है, इसमें खाली स्थान बनना 1, 3, 5, 35 एंड 7, 4, 7, 3, 4, 6 खालिस्तान, 8, 104। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो डिस्टिंक्शन इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 2, 6, 2, 12, 12, 8, 104, 6, 2, 12, 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 के बारे में। तो दो प्राणी सड़क पर टहल रहे थे, एक के पुत्र का दूसरा पिता था, उनका आपस में क्या संबंध है। माता पिता, भाई बहन, भाई भाई, पति पत्नी। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो डिस्टिंक्शन जो 49 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पति पत्नी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तो डिस्टिंक्शन क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है आपका समूह के अन्य शब्दों से भिन्न, इसमें से अन्य मतलब भिन्न करना, दही, मक्खन, क्रीम, तेल। तो डिस्टिंग तेल इसमें अलग है क्योंकि दूध से बनते हैं प्रोडक्ट। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए, एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।